अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी ये बहुत ही मज़ेदार सी बीफ करी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो ये लाजवाब क्या ही बात है। तो रेसिपी को स्टार्ट करूँगी, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखनी ज़रूरी हैं, और इसे आप बना कर रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा ये वाकई बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, तो बीफ करी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने बीफ को बॉईल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है बीफ बोनलेस और इसकी साइज़ की बूटियाँ कट कर ली हैं। इसमें डालूँगी 4 जवे लहसुन के, 1/2 टीस्पून नमक, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है ताकि गोश्त की जो एक स्मेल होती है ना वो ना रहे। 1 बड़ा कप इसमें मैं डाल रही हूँ पानी का, आप उसकी जगह ऐड कर सकते हैं 1 गिलास पानी, इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अगर आपका कुकर टाइम लगाता है गोश्त गलाने में तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट मेरा कुकर के टाइमिंग जो है वो 12 से 15 मिनट हैं, तो इसके लिए 1 कप इनफ है। इसको हम बंद कर देंगे, लिड लगा के इसको हम कवर कर देंगे, और तकरीबन मैंने इसे 12 से 13 मिनट अच्छे से जो है वो गला लिया। मतलब आप इतना पका लें कि आपका गोश्त अच्छा सा गल चुका हो। तो यहाँ पर गोश्त मेरा बहुत अच्छे से गल गया है और आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। इसी तरीके से आपका पानी ड्राई होना चाहिए। अगर आपका पानी गोश्त में ज़्यादा रह जाता है तो आप उसको थोड़ा सा चूल्हा जला के ड्राई कर लीजिए। अब यहाँ पर हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा लिया। इसको हम अच्छे से भून लेंगे हल्की आँच पर। इतना आपने भूनना है कि खुशबू आने लग जाए, और जब इसकी खुशबू आ जाएगी तो आपने इसमें ऐड कर देनी 2 अदद साबित गोल मिर्च, और इसको भी साथ थोड़ा सा हम इसके भून लेंगे। बेसिकली हमने इसका पाउडर बनाना है और इस पाउडर का इस्तेमाल हम रेसिपी के एंड में करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। तो इसको अच्छे तरीके से भून कर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आपने इसका पाउडर बना के और इसको एक साइड में रख देना है। तब तक बीफ करी बनाने के लिए हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ एक कढ़ाई में मैंने लिया है 4 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें एक लार्ज साइज़ की प्याज थी मेरे पास, इसको मैंने कट किया हुआ है स्लाइसेस में। इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि इसका कलर ना बहुत ज़्यादा हल्का हो ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए। अगर डार्क हुआ तो इसमें आपका जो है वो फ्लेवर नहीं आएगा, थोड़ा सा जला जला सा फ्लेवर आएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, वो इसमें ऐड कर दिए चॉप करके। 3 अदद हरी मिर्ची इसमें ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्ची आप अपने स्पाइसी जितना आपने रखना है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने फ्राई कर लेना है, और मीडियम फ्लेम पर आपने इस मसाले को इतना पकाना है बगैर पानी डाले। इसमें पानी का एक कतरा भी मैं ऐड नहीं कर रही। तो आप मीडियम फ्लेम पर इसको इतना पका लें कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तब आपने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद इसका पेस्ट बना के रख लीजिए साइड पर। अब उसी कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के जितना ऑयल, और 2 टेबल स्पून 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, और जब लहसुन अदरक हमारा अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। तो जब लहसुन हमारा अच्छा सा गोल्डन हो गया, इसके बाद हमने इसमें गोश्त ऐड कर लिया। गोश्त को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, और तब तक जब तक कि इसका कलर हल्का सा गोल्डनिश सा ना होने लग जाए। आपने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि गोश्त की बिल्कुल भी स्मेल बाकी ना रहे। तो यहाँ पर जो है वो 4-5 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, और आप देख सकते हैं कि गोश्त आपको दिखने में लग रहा होगा थोड़ा क्रिस्पी सा हो रहा है। बस इस तरीके से आपने अच्छा सा इसको भून लेना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब यहाँ पर जो हमने टमाटर प्याज और मिर्च का पेस्ट बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, और मसाला डालने के बाद इसकी फिर से हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करनी है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो जब ये अच्छी सी भुनाई हो रही होगी, बीच में आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि नमक हमने पहले यूज़ नहीं किया था, और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो इसको हमने अच्छे से भून लेना है, और आपने इतना भूनना है कि ऑयल जो है वो आपका सेपरेट होने लग जाए। जब आपको लगेगा कि ऑयल इसमें सेपरेट होने लग गया है तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो
इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं एक कप दही। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, और आप भी फेंटने के बाद ही यूज़ किया कीजिए जब आप किसी भी चीज़ में पका रहे हो दही को, क्योंकि दही जब पकता है तो ये फटना शुरू हो जाता है। तो हमने इसको फाड़ना नहीं है, बहुत स्मूथ सी ग्रेवी हमारी ऐसे नहीं बनेगी, क्योंकि हमें इसका क्रीमी सा टेक्सचर चाहिए, तो इसके लिए दही को फेंटना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने इसको फिर से पका लेना है 2 से 4 मिनट के लिए। तो जब थोड़ा सा ऑयल इसका सेपरेट होने लग जाएगा तब तक बस हमने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि दही जो है वो उसका पानी खुश्क हो रहा है और ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अच्छा, इस तरीके से अगर आप पेस्ट बना कर और मसाला बनाते हैं और उससे आप हांडी पकाएंगे तो आपकी जो गोश्त की रेसिपीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। हम जीरे और सूखे धनिए का पाउडर ऐड करेंगे, जो रेसिपी के स्टार्ट में मैंने आपको भून के और पीसना बताया था कि आपने इसको पीस के रखना है, वो हमने ऐड किया है। और इसमें आधा चाय का चम्मच इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी जूलियन कट की हुई अदरक डालेंगे और हरी मिर्चें 3 अदद इसमें ऐड कर देंगे, या अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर लें। इसको थोड़ा सा पका लेंगे हम इसके साथ। अच्छा, ये जो मैंने इसमें पाउडर ऐड किया है साबुत लाल मिर्च का, ज़ीरा और सूखे धनिए का, तो इसको आप आखिर में ऐड करेंगे ना तो आप देखेंगे कि एक अलग सा फ्लेवर गोश्त का बनकर आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। क्योंकि जब हम पहले डाल देते हैं तब भी वो टेस्ट तो आता है, बहुत मज़े की हांडी बनती है, लेकिन बाद में ऐड करने से इसका फ्लेवर अलग सा होता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ डिफरेंट सा लगता है। तो अब यहाँ पर बहुत अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो गया है, और यहाँ पर मैंने आधा कप के जितना इसमें पानी ऐड कर दिया है। और पानी जो है वो आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहें या ना करना चाहें, या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और इसको हमने थोड़ी सी देर के लिए पका लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल आ जाए, और बस आपका मसाला ग्रेवी जो बनकर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी कोई मसाला आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ग्राइंड करके ऐड किया है। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर आपके पास आप अपना टाइम बताना चाहते हैं तो जिस तरीके से मसाला मैंने आपको भून कर पेस्ट बनाना बताया है, इस तरीके से आप पेस्ट बनाकर इसको फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको बनाना पड़े आप आराम से अपनी रेसिपीज़ को बना सकते हैं। रेडी टू कुक आपकी हांडी हो जाती है, आधी से ज़्यादा आप उसको कुक करके रख चुके होते हैं, आपका टाइम सेव हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। बस 2 मिनट मैंने इसको और पकाया है और आप चूल्हे को कर देंगे बंद। बहुत ही मज़ेदार सी बीफ करी हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसको सर्व करें नान के साथ, वाइट बॉयल्ड राइस के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो दावतों की रेसिपी है ये स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि कितने मज़े किया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।